So hi everyone, it's 11:45 at night and I'm planning to do AC of physics and do some questions related to it. So that's what my plan is. So let's see how it goes. Again, अभी बज रहा है 12:45 और मेरा चैप्टर अभी तक पढ़ के ही ख़त्म नहीं हुआ है. थ्योरी मैंने बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया चैप्टर को. मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था. मुझे लगा ठीक है हो जाएगा 5-10-15-20 मिनट में, बट ऐसा नहीं हुआ. अभी तक नहीं हुआ मेरा और 2-3 पेज बाकी है. यार मुझे लगा 12:30 तक हो जाएंगे क्वेश्चंस भी. यहाँ थ्योरी ख़त्म नहीं हो रही है. कब होंगे क्वेश्चंस? इट्स 1:30 और मेरा थ्योरी ख़त्म हो गया एंड मैंने 20 क्वेश्चंस करे टारगेट से. एंड ठीक है, मुझे अभी एक्चुअली नींद नहीं आ रही, बट फिर लेट जाग के कल सुबह लेट उठूँगी तो पॉइंट नहीं है. तो मैं अभी सोने जा रही हूँ. ऑल दो मुझे इतनी नींद नहीं आ रही, बट स्ट्रेच करने का कोई मीनिंग नहीं है. मतलब वो साइकिल पे कर जाता है बार बार. तो फिर मतलब ऑल दो अभी भी 1:30 सो के भी साइकिल तो बिगड़ा हुआ ही है, बट थोड़ा और एक्स्ट्रा. It's 11th of May and 6 PM. I have completed my English literature and chemistry ka thermodynamics. Now I'm planning to do probability. So let's meet after that. Extraction could be done in any way, right? Yes, there are, like, for each extraction there could be thousands of ways, but you have to find, being a scientist, you have to find the again. It's 11 PM and I have completed
मैथ्स का प्रोबेबिलिटी एंड केमिस्ट्री का मेटलर्जी. मैथ्स के करे थोड़े बहुत क्वेश्चंस 20-30 एंड इसके मेटलर्जी के कम क्वेश्चंस करे तो वो थोड़े और करने हैं. बाकी आई गेस हो गया जितना भी असाइन था आज के दिन. हाय अगेन, इट्स 12 और मैंने कुछ नहीं किया और 11 से 12 बज गए तो ठीक है. आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे. मैं बस कल सुबह उठ के नया शेड्यूल बनाऊंगी और फिर उसे प्लान करूंगी. ऑल दो कल तो मुझे बहुत सारा इंग्लिश ही करना है क्योंकि परसों मेरी इंग्लिश की एग्ज़ाम है. तो फिर हाँ ऐसे ही होएगा. सैम्पल पेपर देखना बेसिकली एंड एक बार लिटरेचर वापस रिवाइज करना है. आई थिंक दैट्स इट. फिर हो गया आज के लिए. चलो गुड नाइट, बाय बाय, सी यू.